हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं लेकर आई हूँ ब्यूटी एंड हेल्दी चैनल पर आपके कई समस्याओं का समाधान। आगे बढ़ने से पहले अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन इनेबल कर लें ताकि अगले वीडियो का पता सबसे पहले सिर्फ आपको चले। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वैवाहिक जीवन के लिए प्रकृति का वरदान है सहजन और इसे आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी सदियों से इस्तेमाल में लाया जाता रहा है। सहजन का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों के इलाज में किया जाता है। सर्दी, खांसी, गले की खराश और छाती में बलगम जम जाने पर सहजन का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होता है। आप चाहें तो सहजन का इस्तेमाल सब्जी बनाकर या उबालकर कर सकते हैं। इसे पानी में अच्छी तरह उबालकर इस पानी को पीना भी फायदेमंद रहता है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है तो भी सहजन का इस्तेमाल आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सहजन का सूप पीना सबसे अधिक फायदेमंद होता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी के अलावा ये बीटा कैरोटीन, प्रोटीन और कई प्रकार के लवणों से भरपूर होता है। ये मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फाइबर से भरपूर होते हैं। ये सभी तत्व शरीर के पूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। सहजन का सूप आप आसानी से बना सकते हैं। सहजन को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। 2 कप पानी लेकर इसे धीमी आंच पर उबलने के लिए रख दें। जब पानी उबलने लगे तो इसमें कटे हुए सहजन डाल दें। जब पानी आधा बचे तो सहजन की फलियों के बीच का गूदा निकाल लें और ऊपरी हिस्सा अलग कर लें। इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च मिलाकर पिएं। सहजन का सूप पीने के फायदे। सहजन के सूप के नियमित सेवन से सेक्सुअल क्षमता बेहतर होती है। सहजन महिला और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से फायदेमंद है। सहजन में एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है जो कई तरह के संक्रमण से सुरक्षित रखने में मददगार है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। सहजन का सूप पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाने का काम करता है। इसमें मौजूद फाइबर्स कब्ज की समस्या नहीं होने देती हैं। अस्थमा की शिकायत होने पर भी सहजन का सूप पीना फायदेमंद होता है। सर्दी, खांसी और बलगम से छुटकारा पाने के लिए इसका इस्तेमाल घरेलू औषधि के रूप में किया जाता है। सहजन का सूप खून की सफाई करने में भी मददगार है। खून साफ होने की वजह से चेहरे पर भी निखार आता है। कई बार डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए भी सहजन के सेवन की सलाह दी जाती है। दोस्तों, जिसमें गुण हो उसमें कुछ अवगुण भी होती हैं, इसलिए सहजन के पत्तियों का उपयोग लो ब्लड प्रेशर वाले लोग ना करें, क्योंकि सहजन की पत्तियाँ उच्च रक्तचाप वाले रोगियों के लिए प्रकृति का वरदान है। अगर समय पर ब्लड प्रेशर की दवाई ना मिले या प्रेशर कम न हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में सहजन की पत्तियों का जूस आधा ग्लास बनाकर उच्च रक्तचाप के रोगी को दिया जा सकता है। 10 मिनट में रोगी सामान्य हो जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए और सेहतमंद जानकारी के साथ।